अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने मम्मी के लिए फेवरेट केक बनाया है। मॉम थीम पर है ये केक, जिसके लिए मैंने चॉकलेट बेस लिया है, उसे कट कर लिया है। कट करने के बाद हम थ्री लेयर एक छोटे छोटे से क्रीम लगा देंगे हम केक बोर्ड पर, फिर उसके बाद शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे, फिर चॉकलेट क्रीम लगाएंगे और इसे अच्छे से स्मूथ करते हुए, बहुत ही अच्छे से स्मूथ करनी है। फिर उसके बाद को लेवल शेवल कर देना है ताकि हमारा दूसरा स्पॉन्ज इस पर रखेंगे तो वो ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं हो। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड लेयर लगा दी है। सेकेंड लेयर लगाने के बाद देखिए हमारा स्पॉन्ज कितना अच्छे से बेक हुआ है, बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है हमारा स्पॉन्ज। और फिर इसके बाद हम इस पर लगा देंगे और क्रीम, और क्रीम लगाने के बाद इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से स्मूथ। और फिर इसके ऊपर एक और लेयर लगा देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर जो लेयर लगाएंगे उसे भी अच्छे से शुगर सिरप से सो करना। ये मेरा ऑर्डर है, बहुत ही अर्जेंट का ऑर्डर आया था, मतलब शाम को चाहिए था और 3-4 बजे ही ऑर्डर आया था। तो फिर मैंने कर लिया स्पॉन्ज बेक, फिर उसके बाद मैंने क्रीम लगा ली है अच्छे से। क्रम कोटिंग कर देंगे हम क्योंकि इसके ऊपर लगानी है हमें वाइट क्रीम, तो आपको क्रम कोटिंग बहुत ही अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रम कोटिंग सही नहीं होगी तो हमारे वाइट क्रीम पर आ जाएगा जो क्रम्स हमारे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, ना क्लाइंट को, ना देखने वालों को, ना खाने वाले को। तो ये देखिए क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। सेट होने के बाद हमारे केक बोर्ड को क्लीन करके और फिर ऊपर मैंने क्रीम लगा ली है, और क्रीम लगाने के बाद फिर हमें इसे अच्छे से पैलेट नाइफ से स्मूथ थोड़ा सा करना है, क्योंकि ये मोटू मोटू सा क्रीम है जो वो अच्छे से फैल नहीं पाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी कहीं ऊपर नीचे कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया इसे थोड़ा सा फैला लिया। फिर उसके बाद जो हमारी ऊपर से क्रीम बच रही है उसे थोड़ा सा स्मूथ करते करते फैला लेंगे, और बहुत ही अच्छे से इसे हल्के हाथों से करना है आपको। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्रीम है ना वो मतलब वो नीचे वाली डार्क चॉकलेट वाली क्रीम ऊपर आ जाएगी। देखिए अभी ज़रा सी गलती हुई नहीं कि क्रीम ऊपर आ गई, और ये देखिए बातें करते करते हमारी इस फिनिशिंग भी होने लगी है कंप्लीट, और ऊपर से ऐसे ऊपर से पैलेट नाइफ से क्रीम हटाते हुए हमें स्मूथ करनी है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देनी है। देखिए मैंने लिया है रेड कलर और फिर मैंने उसे हमारे टर्निंग टेबल को घुमाते घुमाते बस स्क्रैपर को हाथ हल्के हाथ से रखने है, बस आपके ये क्यूट सा पैटर्न बन जाएगा। थोड़ा सा और मैंने कलर डाल लिया क्योंकि कहीं कहीं पर ना एकदम बोले तो एकदम कम, और मैंने फिर से टिश्यू नहीं रखा है हमारे के नीचे जिससे हमारा केक भाग रहा है यहाँ से वहाँ, फिर वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इतनी, तो मैंने क्या किया स्वेल वाला पैटर्न बना दिया है ऊपर। वैसे ही स्टैंड में मैंने जो हमारा ब्रश होता है बस नीचे से आपको ऐसा रखना है और ऊपर के वैसे खींचना है, बस आपकी ये पैटर्न बन जाएगी, बहुत ही सुंदर सिंपल सोबर वाली पैटर्न बनकर रेडी। ये है मॉम के लिए बना रहे हैं केक, तो फिर स्पेशल तो करना ही है। फिर रिबिन से मैंने कर दिया डेकोरेट, क्योंकि जो क्लाइंट ने मुझे फ़ोटो सेंड करे थे ना तो वो पर्पल कलर की रिबिन थी, बट मैंने कहा ना कि बहुत ही अर्जेंट का ऑर्डर था इसलिए मेरे पास पर्पल कलर की रिबिन और ये लेस नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया रेड, उनसे पूछा रेड लगा दो, तो कहा उन्होंने ठीक है चलेगा रेड लगा दो, वैसे भी रेड कलर का हार्ड लगाना था ऊपर, तो मैंने कहा वो मैचिंग हो जाएगा। और ये बॉर्डर बनाने के लिए ना मैंने जो वो हमारी क्रीम थी ना थोड़ी सी जो मैंने स्क्रैपर पे ली थी वही वाली वहाँ पर क्रीम लगाकर उसको उतार लिया था और डाल दिया। देखिए ये मैंने लिया है गनाश, चॉकलेट गनाश है ये, और एक डॉट डॉट सा लगाकर पूरा एक बॉर्डर टाइप्स बनाना है, ऊपर आपको बॉर्डर नहीं बनानी है। फिर मैंने किया इसे कि चारों साइड से बना लिया है इसे बॉर्डर, तो मेरे पास पर्पल कलर की लेस नहीं थी और रेड थी, तो उन्होंने कहा ठीक है चलेगा बट अच्छा लगना चाहिए और टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और टेस्ट की तो फुल गारंटी है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना पैसे वापस, क्योंकि टेस्ट मतलब सुपर डुपर होते हैं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे क्लाइंट्स जो एक बार लेकर जाते हैं ना वो हमेशा, वो क्या उनके फ्रेंड्स उनके रिलेटिव सब ऑर्डर देते हैं, ये तो अल्लाह का शुक्र है। और ये देखिए फिर उसके बाद मैंने जो डॉट्स लगाए थे ना बॉर्डर जैसे, तो वो थोड़े से मुझे ना मतलब छोटे छोटे से लग रहे थे, तो मैंने क्या किया उस पर ना और थोड़े से गनाश डाल दिए, तो और फिर मोटा ये एम देखिए
जो हमारा बड़ा वाला अल्फ़ाबेट का मोल्ड आता है ना, उसमें मैंने ये नेम बनाया है और ये हार्ट बनाया है, नीचे टूथपिक लगा दी है और ये जो नेम अल्फ़ाबेट है ना उसके ऊपर भी टूथपिक लगा ताकि हमारा ये स्टैंड जैसा खड़ा रहे। क्लाइंट ने कहा डेकोरेशन को कैसे भी करनी है, बस मुझे ये ना स्टैंड में चाहिए मॉम लिखा हुआ, जो कि उनको बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो उनको बस ये ऐसे चाहिए था, बाकी डेकोरेशन आप खुद देख लो। तो फिर मैंने क्या कि सिल्वर कलर के पल जो होते हैं ना ये एडिबल होते हैं, इसे खा सकते हैं इजीली। इसमें मैंने सिर्फ लेस यूज़ किए, जो नहीं खा सकते वो नॉन एडिबल, बाकी सब कुछ मैंने एडिबल चीज़ें यूज़ की। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारे केक का लुक। और ये चॉकलेट केक की रेसिपी चाहिए होगी चॉकलेट केक स्पॉन्ज की, तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर मैंने कर दिया सिल्वर डस्ट से स्प्रे, लग रहा है ना हमारा केक का लुक एकदम वाव वाला। और इसका वेट भी मैंने आगे ऐड किया है, वो बाद में आप जाकर देख लेना कितना है इस केक का वेट। और इसका लुक डेकोरेशन आप खुद देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो रिबन मैंने लगाई है और वो जो ऊपर हार्ट लगाना, इसका कॉम्बिनेशन मैचिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बोलते हैं ना रेड और वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन सुपर होता है, तो वैसा ही है। और बात करते हैं हमारे केक की वेट की, तो ये देखिए ऑलमोस्ट पाव केजी केक हमारा, ज़्यादा केक का होना भी चाहिए। थैंक यू सो मच।